ओके तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा था इस बार का मंडे नाइट रॉक ओवर ब्रॉक लेसनर ने बहुत ज्यादा ब्रूटली कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था। इससे हमारे कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए क्योंकि डब्ल्यू वाले इसको लेकर बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रही है। साथ ही साथ ब्लड लाइन का क्या समर स्लैम के अंदर ड्रामा चलने वाला इसके बारे में डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में आप लोग करेंट टाइम में सबसे ज्यादा लोग सोच रहे हैं। आज के स्मैकडाउन के ऊपर जो टूर्नामेंट हुआ था नंबर वन कंटेंडर के लिए, उसके अंदर आखिर क्यों एलए नाइट को विक्ट्री नहीं मिला, जबकि सारे न्यूज चैनल वाले ऑलरेडी पहले इस बात को बता चुके थे कि एलए नाइट ही विन करने वाले हैं आज का टूर्नामेंट और समर स्लैम के अंदर भी। और भाई इसके पीछे का प्रोबेबली रीजन निकल कर सामने आ गया और इसके पीछे का दो से तीन रीजन। एलए नाइट का ना जीतने का सबसे पहला रीजन ये कि ट्रिपल एच अब वो काम करता है जो कि ऑडियंस को नहीं लगता। ऑडियंस को नहीं बिलीव था कि रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंज विन करेंगे, पर उन्होंने कोडी रोड्स को हरा दिया। सेम टू सेम आज के स्मैकडाउन के ऊपर ऑलरेडी सारे लोग इस बात को मान चुके थे कि एलए नाइट ही जीतने वाले टूर्नामेंट को, पर यहां पर ट्रिपल एच ने हरवा दिया उनको। हां ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कुछ शॉकिंग बताने वाला हूं। इसके पीछे सेकंड रीजन ये कि डब्ल्यू वाले करेंट टाइम में एलए नाइट को लेकर कुछ प्लान ही नहीं किया कंपनी के अंदर। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार का समर स्लैम के बाद डब्ल्यू वाले कंसीडर कर रहे हैं एलए नाइट को एक मेगा पुश देने के लिए। तो भाई मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना, इसके बारे में आपको एलए नाइट का पुश देखने को मिलेगा इस बार का समर स्लैम के बाद। और थर्ड रीजन ये कि करेंट टाइम में एलडब्ल्यू फ्रैक्शन काफी अच्छा कर रहे हैं, रिसेंट टाइम में मर्चेंडाइज सेल में नंबर वन पर गए। डब्ल्यू वाले यहाँ पर सिंपल सैंटोस एस्कोबार को एक न्यू चांस देना चाहते हैं, एक न्यू चैंपियन उनको बनाना चाहते हैं। आप लोग ये बात कंफर्म मान लो कि फाइनल के अंदर हमारे सैंटोस एस्कोबार जाने वाला फाइनल यूएस चैंपियन बनने वाले, क्योंकि रे मिस्टीरियो को अब इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रे मिस्टीरियो को एज ए ऑब्जेक्ट ही डब्ल्यू के अंदर पुश किया जाता है। मैं अगर सही बताऊं तो भाई डब्ल्यू वाले ने यहाँ पर बहुत एक गलत डिसीजन लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों एक फ्रेंड ही हैं। इनके बीच में जब मैच हुआ तो मुझे तो देखने में भाई बिल्कुल मजा नहीं आया। वैसे एलए नाइट जब मैच के अंदर हार कर जा रहे थे उसके बाद एक वीडियो निकल कर सामने आया जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो एलए नाइट बहुत ज्यादा यहाँ पर सैड है। और भाई एक्चुअल में आज के स्मैकडाउन के ऊपर ऑडियंस बहुत ज्यादा चीयर कर रही थी एलए नाइट को, मैंने भी देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा। वैसे करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समर स्लैम के बाद डब्ल्यू वाले एलए नाइट को पुश करने वाले हैं। भाई कैसा पुश मिलता किसी को नहीं पता। वैसे अगर आप लोगों को कुछ कहना इसके बारे में तो डेफिनेटली आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी भी आज के स्मैकडाउन से रिलेटेड है। एक्चुअली आज के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यू वालों को कुछ प्लान चेंज करना पड़ा। इसके पीछे रीजन है कि भाई एक्चुअली बैकस्टेज किसी को कोविड-19 हो गया था, इसलिए डब्ल्यू वालों को बहुत सारा प्लान यहाँ पर चेंज करना पड़ा। एक्जेक्टली अभी तक ये बात रिवील नहीं हुआ कि कोविड-19 किसी रेसलर को हुआ था या फिर किसी एम्प्लॉय को हुआ था, पर हाँ कोविड-19 हुआ था किसी। इसलिए डब्ल्यू वालों ने कुछ चेंजिंग किया स्मैकडाउन के ऊपर, आगे जैसी रिपोर्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुंथर के बारे में, जिनके बारे में बहुत ज्यादा शॉकिंग रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। शायद डब्ल्यू वाले हमें इस बार का समर स्लैम में हम सब ऑडियंस को शॉक भी कर सकते हैं। आप लोग सारे लोग देख सकते हैं करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले गुंथर के हाथ से चैंपियनशिप लेने का प्लान कर रही है। गुंथर इस बार का समर स्लैम के अंदर अपना चैंपियनशिप हार जाने वाले ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट, उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन के पीछे जाने वाले। और भाई ये चीज का होने का एक्चुअली चांसेस है समर स्लैम के अंदर, ऑलरेडी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो के अंदर भी इस बात को बताया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ट्रिपल एच को हमेशा शॉकिंग चीज करना पसंद है, अगर ये चीज हो जाएगा तो ऑडियंस सबसे ज्यादा शॉक हो जाएगी समर स्लैम के अंदर, क्योंकि सारे लोग को लगता है कि अब गुंथर को कोई भी नहीं हरा सकता, ऑलरेडी गुंथर ड्रू मैकइंटायर को हरा चुके हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई शायद इसलिए इस बार का समर स्लैम के अंदर हमारे ड्रू मैकइंटायर न्यू आईसी चैंपियन बन सकते हैं गुंथर को हरा कर। वैसे मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी भाई एक पुश डिजर्व करते हैं। मेरे ख्याल से 2021 के बाद इनको पुश नहीं मिला डब्ल्यू के अंदर। वैसे भाई मैं कल चैनल के ऊपर सारे मैचेस का प्रेडिक्शन वीडियो भी लेता हूं, तो आपको कल के वीडियो के अंदर सारा चीज पता चल जाएगा कौन सा मैचेस के अंदर कौन सा रेसलर विन करने वाला। वैसे आई थिंक सारे लोग को पता ही चल गया होगा कि डब्ल्यू वाले ने दो मैच ऑफिशियल कर दिया इस बार का समर स्लैम के लिए, और अभी टोटल डब्ल्यू वाले ने चार मैच ऑफिशियल किया समर स्लैम के लिए, दो मैच मंडे नाइट रॉक पर, दो मैच स्मैकडाउन को। और हां रोमर है जो जेओसो के मैच के बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में भी बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के बारे में, जिसको होने में भाई अभी करीब करीब 8 महीने बचा हुआ है। डब्ल्यू वाले ऑलरेडी पहले से ही सारा टिकट वगैरह निकालना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में 18 अगस्त से डब्ल्यू वाले टिकट अवेलेबल करवाना शुरू कर देगी, जिसको भी टिकट बुक करना करवा सकते हैं। हाँ डब्ल्यू वाले इतने मंथ पहले इसलिए टिकट अवेलेबल करवा देते हैं ताकि रेसलमेनिया बहुत बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट हो, तो डब्ल्यू वालों को पहले से यहाँ पर टिकट अवेलेबल करवाना होता है ताकि जो ऑडियंस रहे पहले ही होटल वगैरह सारा चीज बुक कर ले उस सिटी के। आप लोग समझ सकते हो कुछ ही टाइम बाद डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 40 का हमें लोकेशन में रिवील करते हुए दिखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डिवीजन के टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में, जिसके बारे में काफी टाइम पहले रिपोर्ट आया था कि डब्ल्यू वाले समर स्लैम के राउंड इसको लॉन्च करने वाले। ऑलरेडी चैंपियनशिप बेल्ट भी बन चुका है, डब्ल्यू वालों को सिर्फ इसे लॉन्च करना है। भाई आप लोग देख सकते हो समर स्लैम आने वाला, पर ये चीज नहीं है, पर करेंट टाइम में फिर से यही सेम रिपोर्ट निकलकर सामने आई। तो मे बी डब्ल्यू वाले आप कभी भी न्यू चैंपियनशिप लॉन्च कर सकते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के। वैसे आप लोग सारे लोग देख सकते हैं डब्ल्यू वाले ने इससे रिगार्डिंग कुछ टाइम पहले पोस्ट भी किया था, जिसके अंदर उन्होंने सिंपल ये पूछा था कि इन पांचों में से कौन चैंपियनशिप ज्यादा वेट है। भाई कमाल की बात है कि सबसे लास्ट वाला जो ई वाला चैंपियनशिप है डब्ल्यू वाले ने इसे कभी भी लॉन्च ही नहीं किया डब्ल्यू के अंदर। तो भाई मुझे नहीं पता टैग टीम चैंपियनशिप का कैसा डिजाइन होने वाला, पर डब्ल्यू वाले जब इतना टीज करे तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द ये लॉन्च भी कर देंगे। आप लोग देखेंगे डब्ल्यू वाले ने रिसेंट टाइम में इसके रिगार्डिंग इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, जिनका रिसेंट टाइम में दो पिक्चर करेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुआ। आप लोग देख सकते हैं ये फोटो सबसे पहला वाला तब का जब रोमन रेंज ब्लड लाइन के अंदर रहते थे, इनके अंदर टोटल 6 मेंबर रहते थे, पर अब ना ब्लड लाइन के अंदर 6 मेंबर है ना ही इन सारे लोगों के पास चैंपियनशिप बेल्ट है। और आप लोग सेकंड पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर रोमन रेंज अकेला आ रहा है अपने सिंगल एक चैंपियनशिप बेल्ट के साथ। भाई इसे देखने के बाद थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है। रोमन रेंज रिसेंट टाइम में पोस्ट भी किए थे कि मैं अभी सबसे टॉप पर हूं, उसके बावजूद भी मैं
मैं अकेला हूँ। रोमन रेंज का करेक्टर इस तरीके से दिखाया जाता है डब्ल्यू के अंदर कि यह बंदा अपने फैमिली मेंबर को कभी भी खोना नहीं चाहता, और एक करेक्टर पिछले 10 साल से डब्ल्यू वाले रोमन रेंज के साथ दिखा रहे हैं। और उसका एग्जांपल हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला, जहां सोलो सिकोवा अटैक कर रहे थे जे उसो के ऊपर, यहाँ पर रोमन रेंज रोक देते हैं उनको। नेक्स्ट बात करते हैं मामी के बारे में, जिन्होंने रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर अपने एक फैंस को बहुत ज्यादा सैवेज रिप्लाई दिया। मामी से रिसेंट टाइम एक फैंस ने यह सवाल पूछा कि आप कौन सी चीज अपना फेवरेट वाले डॉम डॉम के साथ करते हो, और उसके ऊपर मामी का रिप्लाई था कि बेटा जो तुम सोचते हो वही मैं फेवरेट चीज डॉम डॉम के साथ करता हूं। आप लोग यहां पर समझ सकते हो मामी किस चीज के बारे में बात कर रही है। वैसे मामी का एक और यहां पर वीडियो वायरल हुआ है रिसेंट टाइम टिकटॉक का कैथी कैली के साथ। आई थिंक आप लोग सारे लोग कैथी कैली के जानते ही होंगे, ये मामी की एक्स्ट गर्लफ्रेंड थी, मतलब लड़की लड़की वाले प्यार। वैसे रिसेंट टाइम इनका जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैथी कैली खड़ी होती है और डॉम डॉम के साथ यहाँ पर रिया रिप्ली निकल जाती है। मतलब यहाँ पर कैथी कैली के माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा। वैसे रिसेंट टाइम में डेवन प्रिस्ट का भी एक यहाँ पर वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आ रहा, आप लोग सारे लोग यहाँ पर इनको देख भी सकते हैं। आपको अगर याद होगा तो आज के कुछ मंथ पहले ट्रिपल एच ने स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज के सामने एक प्रोमो कट किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि बास्केटबॉल के अंदर ये महान है, फुटबॉल के अंदर ये महान है, बॉक्सिंग के अंदर ये महान है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंज महान है। तो वहीं यहाँ पर सेम बैनर बहुत सारे महान लोगों का लगा रहता है, जैसे यहाँ पर फुटबॉल के अंदर आप लोग देख सकते हो मैसी का यहाँ पर बैनर लगा हुआ था, और जैसे यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे महान रेसलर के नाम पर यहाँ पर रोमन रेंज का बैनर लगा हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पर डेवन प्रिस्ट इशारा करते हुए देखते हैं कि मैं ही तुम्हारे ऊपर मनी दबाए कैसे करने वाला हूँ। एक्जेक्टली ये चीज होने का चांसेस मेरे ख्याल से थोड़ा कम है, पर हाँ इंटरेस्टिंग वीडियो निकल कर सामने आया था तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा अलग रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, और मुझे भी आपसे थोड़ा सा बात करना है इनके बारे में। आप लोगों ने अगर देखा हो तो मनी इन द बैंक से पहले भी ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लॉक लगा दिया था 2 बार यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर, और उसके बाद कोडी रोड्स पूरा यहाँ पर मलहम पट्टी लगाकर आ रहे थे, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि उनको पूरा इंजरी हो चुका, उनका हाथ टूट चुका है। उसके बावजूद भी कोडी रोड्स इतना महान है कि वो ब्रॉक लेसनर के सामने जाकर स्टिल फाइट कर रहा है। एक्चुअली में ये सब सारा चीज फेक चीज था, कोडी रोड्स को यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी कोडी रोड्स उसके बाद मैच भी रेसल किए थे मनी इन द बैंक के अंदर। वैसे इसके बाद लास्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या हुआ, आई थिंक सारे लोगों ने देखा होगा, फिर से किमोरा लॉक ब्रॉक लेसनर ने लगा दिया था कोडी रोड्स के ऊपर, और डब्ल्यू वाले फिर से यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए प्लान कर रहे इंजरी वाला सेवन की कोडी रोड्स फिर से इंजर्ड हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर के हमला के वजह से। और नेक्स्ट वीक जो मंडे नाइट रॉ होने वाला उसके अंदर कोडी रोड्स फिर से ऐसी मलहम पट्टी करके आने वाला ऑडियंस के बीच में कि हाँ मेरा ब्रॉक लेसनर ने हाथ तोड़ दिया, और उसके बावजूद भी फिर वो ब्रॉक लेसनर को हराएंगे समर स्लैम के अंदर। उसके बाद ऑडियंस के बीच में ऐसा लगा कि हाँ बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोडी रोड्स। मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यू वाले ये सब सारा चीज जो कर रहे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्टूपिड कर रही है। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता डब्ल्यू वाले क्या करना चाहते हैं, अब कितना ऑडियंस से सिंपैथी ले लोगे बार बार इंजरी वाले यहाँ पर सेगमेंट देखा। जॉन सिना उतने बड़े स्टार थे, उसके बावजूद भी ऑडियंस एक्नॉलेज करना भूल गई थी जॉन सिना को, पर आप लोग करेंट टाइम में कोडी रोड्स को नेक्स्ट जॉन सिना बनाना चाह रहे हैं, और ये चीज मैं आपको आज लिख कर कह रहा हूँ, कोडी रोड्स नेक्स्ट जॉन सिना कभी भी डब्ल्यू के अंदर नहीं बनने वाले। कोडी रोड्स अगर चैंपियन बन गए डब्ल्यू के अंदर तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियंस 2 से 4 महीने के अंदर कोडी रोड्स से बोर होना शुरू हो जाएगी। मतलब भाई सच में ये न्यूज सुनने के बाद मुझे बड़ा अलग सा लगा, डब्ल्यू वाले आखिर करना क्या चाहती है, किसी भी रेसलर को बार बार पिटवा दो ब्रॉक लेसनर से, उसके बाद उसको सिंपैथी मिल जाएगा, उसको तो बड़ा स्टार बन जाएगा। लगता है डब्ल्यू वालों के यहाँ पर रोमन रेंज का एग्जांपल दिखता है नहीं, रोमन रेंज भाई कितने बड़े हील है, उसके बावजूद भी पूरा ऑडियंस इनको एक्नॉलेज करती है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वालों को थोड़ा यूनिक करेक्टर डेवलप करना चाहिए कोडी रोड्स का, ऐसे ही नहीं बस सिंपैथी दिलाना चाहिए ऑडियंस। वैसे आप लोग का क्या ख्याल है इसके बारे में, आप लोग सारे लोग जरूर से इसे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे आपसे बात करना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बिगी के बारे में भाई, जिनका रिटर्न बहुत ही जल्द डब्ल्यू के अंदर होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बैक स्टेज पर बिगी आए हुए थे आज के स्मैकडाउन के ऊपर। आप लोग सारे लोग ये फोटो देख सकते हैं जो कि एरिना के बाहर से निकलकर सामने आ रहा है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं बिगी साफ तरीके से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। भाई मे बी मेरे ख्याल से अब न्यू डे का और बिगी का रिटर्न बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिगी और न्यू डे आपको बहुत ही जल्द डब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला। और भाई ऐसे भी बिगी को रिकवरी करने में 6 मंथ का ही टाइम चाहिए था, पर करेंट टाइम में 1 साल से ज्यादा हो चुका तो है। आप लोग समझ लो बिगी आपको बहुत ही जल्द डब्ल्यू के अंदर फिर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते अपने 619 मास्टर रे मिस्टीरियो के बारे में, जिनका एक वीडियो निकल कर सामने है रिसेंट टाइम में ड्रैगन लीग के साथ। अगर आपको नहीं पता तो ड्रैगन लीग एक एनएक्सटी के रेसलर है, एक्चुअली इस वीक बहुत सारे एनएक्सटी के रेसलर हमें मेन रोस्टर के ऊपर देखने को भी मिले थे, जैसे हमें आज का स्मैकडाउन के ऊपर एनएक्सटी के वुमेन्स चैंपियन भी देखने को मिली थी स्मैकडाउन को। भाई एक्चुअली ये सब रियल टैलेंट है, पता नहीं डब्ल्यू वाले इनको क्यों एनएक्सटी के ऊपर रखे हुए, इनको लाना चाहिए मेन रोस्टर को। हाँ मुझे इनका नाम याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला, पर मैं उतना मैनेज कर लूंगा। वैसे अगर वापस टॉपिक ऊपर चले तो यहाँ पर ड्रैगन लीग को रे मिस्टीरियो ये समझा रहे थे कि तुम्हें हराना है डॉम डॉम को, और जो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियंस बेल्ट जो अभी करेंट टाइम में डॉम डॉम के पास है उसे तुम्हें वापस छीनना है उसके पास, और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर वो ट्रिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर ड्रैगन लीग को दे रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पता तो ये दोनों एक मास्क रेसलर है, मतलब दोनों ही सेम कम्युनिटी से, मेरे ख्याल से लुचाडोर कम्युनिटी से दोनों बिलोंग करते हैं। बेचारा डॉम डॉम भी यही सोच रहा होगा कि मेरे बाप मेरे खिलाफ गद्दारी कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी और से फंसी हुई है। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो डॉम डॉम की जो बहन है उनका एक बार स्मैकडाउन के ऊपर सेगमेंट दिखाया गया था बड़ी मर्फी के साथ, और बड़ी मर्फी को आप लोग सारे लोग जानते होंगे जो कि रियल लाइफ में एक्चुअली रिया रिप्ली का बॉयफ्रेंड है। तो यार मतलब आप लोग समझ सकते हो डॉम डॉम का पूरा सराउंडिंग ही खराब है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने मेन न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज से रिलेटेड। आज के स्मैकडाउन के ऊपर हम लोगों ने देखा इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए। भाई एक्चुअली मैच स्टिपुलेशन वाला भी है, मतलब आपको इस मैच के अंदर कुछ भी चीज देखने को मिलेगा, आप टेबल ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, लैडर ले सकते हैं, मतलब कुछ भी वेपन से मार सकते हैं। साथ ही साथ इस मैच के अंदर जो भी रेसलर विन करेगा सिर्फ वो चैंपियन नहीं बनने वाला, साथ
है वो ट्राइबल चीफ भी बनेगा, क्योंकि एक्चुअली ट्राइबल चीफ का जो मिर्ची वाला माला है साथ में अटैच है चैंपियंस बेल्ट के साथ यहां पर। तो भाई ये जो मैच होने वाला काफी कमाल का होने वाला है, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल से क्या एंडिंग हो सकता है। देखिए आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनेगा, आप लोग इस बात को नोटिस हमेशा क्योंकि सोलो सिकोवा का कभी भी नजर रोमन रेंस के चैंपियंस बेल्ट के ऊपर नहीं रहा, और हमें ये चीज मल्टीपल टाइम देखने को मिला कि रोमन रेंस के चैंपियंस बेल्ट के ऊपर सोलो सिकोवा का बिल्कुल भी फोकस नहीं। सोलो सिकोवा का जो फोकस है हर बार हमें एक जगह देखने को मिला, रोमन रेंस के हाथ में जो उला फाला जो है अपना जो मिर्ची वाला माला उसके ऊपर देखने को मिला, और ये चीज हमें एक बार नहीं भाई एक्चुअली बहुत बार देखने को मिला कि सोलो सिकोवा का सबसे ज्यादा जल्दी नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने का। आप लोग याद करो कुछ मंथ पहले जेउसो जिमी उसो ने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट ट्राइबल चीफ एक्सेप्ट करते हैं सोलो सिकोवा को, और आप लोग उसके बाद सोलो सिकोवा का उस टाइम पर रिएक्शन देखे थे। आप लोग आज के दो वीक पहले का स्मैकडाउन देख लो, उसके अंदर सोलो सिकोवा एक्चुअली वो वाला जो माला रहता उला फाला रोमन रेंस को देना नहीं चाहता, इस माला को लेकर हमें अलग सा एग्रेशन देखने को मिलता है सोलो सिकोवा के अंदर। हमें यही एग्जैक्ट चीज देखने को मिला आज के स्मैकडाउन के ऊपर ही, सोलो सिकोवा कंटिन्यूअस यहाँ पर उला फाला को देख रहे थे। भाई आप लोग सारे लोग मल्टीपल टाइम से ये बात समझ सकते हैं कि सोलो सिकोवा का एम क्या है। तो मेरे ख्याल से अब आगे का स्टोरी लाइन ये चलने वाला कि सोलो सिकोवा उला फाला जो माला है उसके लिए फाइट करने वाले हैं, इसके लिए रोमन रेंस के अगेंस्ट भी जा सकते हैं समर स्लैम के अंदर या फिर जेउसो के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। भाई डब्ल्यू वाले आगे का स्टोरी लाइन मेरे ख्याल से यही दिखाने वाली है। वैसे भाई वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए कल शाम के वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है इसके बारे में सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना होगा सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।